गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ. टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नाइन्थ चैप्टर, रॉबिन हुड एंड द लिटिल जॉन. सो बेटे, ये एक स्टोरी है रॉबिन हुड के बारे में. आपने सुना ही होगा, आप कार्टून्स में भी ये सब देखते ही हैं कि रॉबिन हुड कौन थे, वो क्या करते थे. तो उन्हीं से ही रिलेटेड ये एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसे आपने बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है. और जो जो वर्ड्स यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं, प्लीज़ ध्यान से देखिए, वो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. ओके, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर स्टोरी. ओके, रॉबिन हुड वॉज अ यंग मैन. रॉबिन हुड उस पर्सन का नेम है. यंग मीन्स जवान, मैन मीन्स आदमी. रॉबिन हुड एक जवान आदमी था. ही लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन ऑफ इंग्लैंड. लिव्ड मीन्स रहना, स्मॉल टाउन मतलब एक छोटा सा शहर, ऑफ इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड का. नेम्ड नॉटिंगहैम, जिसका नाम था नॉटिंगहैम. तो जो रॉबिन हुड था, ही किसके लिए यूज़ किया गया है, रॉबिन हुड के लिए. तो जो रॉबिन हुड है वो कहाँ रहता था, एक इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में रहता था जिसका नाम था नॉटिंगहैम. ठीक है. वन डे एज ही वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट और ऑफ शेरवुड. वन डे मीन्स एक दिन. एज ही वॉज पासिंग मीन्स गुजरना. एक दिन, फॉरेस्ट मीन्स जंगल. सो एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था, कौन सा जंगल, जंगल का भी नाम है भाई, दैट इज़ शेरवुड. ध्यान से सुनिए, नॉटिंगहैम जो इंग्लैंड में एक टाउन है, वहाँ पर एक फॉरेस्ट बहुत फेमस है, दैट इज़ नॉन एज शेरवुड फॉरेस्ट. ठीक है. तो शेरवुड फॉरेस्ट से रॉबिन हुड गुजर रहे होते हैं, तब उन्हें क्या मिलता है, ही मेट अ ग्रुप ऑफ सोल्जर. सोल्जर्स मीन्स सैनिक. तब उन्हें सैनिक मिल जाते हैं रास्ते में. दे वर द शेरिफ्स मैन. शेरिफ्स कौन होते थे एट दैट टाइम, शेरिफ्स को पुलिस मैन कहा जाता था. मतलब जो ब्रिटिशर्स के हैं, ये उस टाइम की कहानी है. तो यूनाइटेड स्टेट्स में आपका पुलिस मैन को शेरिफ्स कहा जाता था एट दैट टाइम. सो ये सोल्जर्स कौन थे, ये शेरिफ्स यानी कि पुलिस मैन थे एक तरीके से. रॉबिन वॉज अलोन. अलोन मीन्स अकेला होना. आप सारे मीनिंग्स प्लीज़ साथ में लिख लिया करो अपनी बुक में, ताकि कोई भी वर्ड ऐसा ना रहे जिसका मीनिंग आपको ना पता हो. तो रॉबिन अकेला था. द सोल्जर्स मेड फन ऑफ हिम. मेड फन ऑफ का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना. सो जो सैनिक थे, उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. वे उसका मजाक बनाने लगे. इन द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस, दैट फॉलोड, उसके बाद जो बहस हुई उससे क्या हुआ, रॉबिन वॉज अटैक्ड बाय द मैन. अटैक्ड मीन्स हमला करना, यानी कि रॉबिन के ऊपर हमला हुआ. उसी में से एक सोल्जर ने रॉबिन के ऊपर हमला कर दिया. ही ट्राइड टू डिफेंड हिमसेल्फ. ट्राइड मीन्स कोशिश करना, डिफेंड मीन्स अपने आप को बचाना, हिमसेल्फ. ओके, सो उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचाने की कोशिश की. और वन ऑफ द सोल्जर्स वॉज एक्सीडेंटली किल्ड. उनमें से एक सोल्जर जो है, एक्सीडेंटली मीन्स अचानक से या फिर दुर्घटनावश, और किल्ड मतलब मार देना. तो एक सोल्जर उसमें से दुर्घटनावश, गलती से मान लीजिए, रॉबिन से मर जाता है. रॉबिन वॉज पैनिक स्ट्राइकन. पैनिक मीन्स आपका डरावना, एक्चुअली डर जाना या फिर चिंतित होना. अब रॉबिन क्या होता है, डर जाते हैं भाई, उसके हाथ से एक मर्डर हो गया है. ही हैड किल्ड वन ऑफ द शेरिफ्स मैन, कि उसने एक पुलिस मैन को मार दिया है. ही रैन अवे इन टू द फॉरेस्ट. रैन अवे मीन्स भाग जाना. इन टू मीन्स मे. तो रॉबिन क्या करते हैं, जंगल में भाग जाते हैं. द शेरिफ सेंट हिज मैन टू सर्च फॉर रॉबिन. सेंट मीन्स भेजना, सर्च मीन्स ढूंढना. अब शेरिफ ने क्या किया, जो पुलिस मैन थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, अब शेरिफ ने क्या किया, अपने कुछ बंदों को, अपने कुछ आदमियों को उन्होंने रॉबिन को ढूंढने के लिए भेजा. ही ऑल्सो अनाउंस्ड अ रिवार्ड ऑफ 500 पाउंड्स टू एनी वन हु कॉट रॉबिन. कॉट मीन्स पकड़ना, रिवार्ड मीन्स इनाम, और अनाउंस मीन्स घोषित करना. तो शेरिफ ने क्या घोषित किया, कि जो भी रॉबिन को पकड़ के लाएगा उसे 500 पाउंड्स का इनाम दिया जाएगा. द सोल्जर्स फेल्ड टू कैच हिम. फेल्ड मीन्स हार जाना, जो, और कैच मीन्स पकड़ना. तो जो सोल्जर्स हैं वो उसे पकड़ने में हार जाते हैं, उन्हें रॉबिन नहीं मिल पाता. रॉबिन बिकेम एन आउटलो. बिकेम मीन्स बनना, आउटलो मीन्स अपराधी. अब रॉबिन क्या बन गया था, अपराधी. कानून की नज़रों में अब रॉबिन एक अपराधी बन गया था. द ईयर्स पास्ड. ईयर्स मतलब साल, पास्ड मतलब गुजरते जाना. तो साल गुजरते गए. ही रिमेंड इन द फॉरेस्ट. और रॉबिन कहाँ था, रॉबिन वहीं जंगलों में ही रहने लग गया था. मैनी मैन ज्वाइंड हिम. ज्वाइंड मीन्स शामिल होना. कई सारे पर्सन उसके, कई सारे आदमी उसके साथ शामिल हो गए, जो वो काम करता था उसमें.
द पुअर पीपल वर हिज फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मीन्स दोस्त होना, पुअर मीन्स गरीब होना, पीपल मीन्स लोग. जो गरीब लोग थे वो रॉबिन के दोस्त थे. ही ऑलवेज हेल्प्ड दोज इन ट्रबल. हेल्प्ड मीन्स मदद करना, ऑलवेज मीन्स हमेशा, एंड ट्रबल मीन्स मुसीबत में या फिर प्रॉब्लम्स में, मुश्किलों में. तो रॉबिन क्या करते थे, मुश्किलों में हमेशा उनका उनको प्रॉब्लम से बचाने में उनकी हेल्प करते थे. नेक्स्ट वीडियो अभी आपको सेंड कर रहे हैं.